हेलो गाइस, हम डॉक्टर ऋषि, मैं प्रयागराज जनपद से बात कर रहा हूँ। आज हम मैम से मिलाते हैं। मैडम का कानपुर से सफ़र प्रयागराज का था और काफ़ी मैडम परेशान थी। डेडिकेशन के साथ वे डेंटिस्ट को सर्च कर रही थी कि हु इज़ द बेस्ट डेंटिस्ट इन प्रयागराज कानपुर। तो सीधी सीधी रोड है और मैडम आई हमारे पास। इनका नाम है सुप्रत त्रिपाठी। मैडम आई हमारे पास और मैंने इनका डेडिकेशन के साथ वर्क किया। काफ़ी दिक्कतें थी, काफ़ी मतलब कि ख़राब काम हुआ था, जो कि सर मैडम के हस्बैंड एडिशनल सीएमओ हैं, जो कि इलाहाबाद में पोस्टेड हैं और जो कि खुद मेडिकल फील्ड से हैं, और मैंने मैडम का काम किया। अब मैडम आपको बताइए, इस क्लिनिक का, इस डेंटल क्लिनिक का डॉक्टर का वर्क कैसा आपको फील हुआ? मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, मैंने यहाँ भी देखा था और भी डेंटिस्ट सर्च कर रही थी, कई मैं उनके पास भी, पर मैं जब डॉक्टर ऋषिराज से मिली तब मुझे बहुत अच्छा लगा। इनसे बात, इनका समझाने का तरीका, एक्सप्लेन करना कि आपको कैसे ये ट्रीट करेंगे, तो प्रोसीजर मुझे बहुत अच्छा लगा और कॉन्फिडेंस आया मुझ में। तो उस कॉन्फिडेंस के साथ ही डॉक्टर साहब के साथ ट्रीटमेंट में हम आगे बढ़े और काफ़ी काम हुआ मेरा। एक RCT थी, पुरानी दो RCT थी जो कि काफ़ी डैमेज हो रही थी, वो भी ख़राब थी। डॉक्टर साहब ने उनको भी ट्रीट किया। हाँ, जो कि आपने RCT जो कि इलाहाबाद कानपुर के सबसे टॉप डॉक्टर से करवाया था, कहाँ? हाँ, पर था मैडम उनका क्लिनिक? उनका क्लिनिक कानपुर में अशोक नगर। अशोक, डॉक्टर नाम ना बताइएगा, अशोक नगर में था जी, जो कि वहाँ के काफ़ी फेमस डॉक्टर। मगर जो चीज़ आज की जनरेशन और 10 साल की जनरेशन बहुत फ़र्क है जी, जो हम लोग न्यू इंटरनेशनल लेवल में जुड़े हुए हैं और इंटरनेशनल लेवल का काम कर रहे हैं, वर्क हर चीज़ का मटेरियल। डॉक्टर साहब, आपका काम वाकई में, मैं इधर जुड़ी और काफ़ी मुझे सिटिंग के लिए आना था, जितनी बार भी आना था डॉक्टर साहब से फ़ोन पे कांटेक्ट करना हो, कभी कोई प्रॉब्लम हो तो समझना हो। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया और बिहेवियर, सब समझाने का तरीका, पूरा प्रोसेस को आगे बढ़ाना कि कोई तकलीफ नहीं हुई मुझे पूरे प्रोसेस के दौरान। और मेरी अभी सर्जरी हुई थी यूट्रस की लेप्रोस्कोपी से, तो मेरे आगे दांत में स्टेन भी काफ़ी आ गए थे। डॉक्टर साहब ने उनको भी रिमूव किया बड़े अच्छे से, सब पूरे CO2। हाँ, CO2 जब जाता है मतलब कि पेट के अंदर CO2 लिया जाता है तो ब्लैकनेस कुछ केमिकल के द्वारा क्या आ जाता है दांतों में, मैंने उसको भी रिमूव किया। जो मटेरियल इंटरनेशनल क्वालिटी का यूज हुआ क्लिनिक में वे कैसा था मैडम? मैंने आपको इसे डॉक्टर हर चीज़ बताते नहीं खुल के जी, आप तो मुझे सब अपना जो भी चीज़ यूज कर रहे थे वो दिखाई कि देखिए मैं ये यूज कर रहा हूँ, उसका नाम मुझे पढ़ने को दिया और बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस में रखा, कुछ बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखी पूरे प्रोसेस के दौरान। पेशेंट को इतनी क्या नॉलेज होती है, जो डॉक्टर कहता है उसी पे वो ट्रस्ट करता है, बट यहाँ डॉक्टर साहब ने पूरा फुल प्रोसेस ट्रांसपेरेंसी में रखा। मेरी RCT के जो टीथ भी बने, टूथ बन के आने थे, वो भी दिखाए मुझे, मटेरियल दिखाया कैसे बन के आएंगे, उनकी भी कैपिंग का पूरा प्रोसेस, मेरी लास्ट कैप नहीं बहुत अच्छी बनी थी, डिजिटल क्वालिटी, डिजिटल लैब के द्वारा, डिजिटल स्कैनिंग के द्वारा है कि नहीं, एकदम परफेक्टली फिटिंग, जो आपने कैप पसंद किया टॉप क्लास का जर्कोनिया, उसकी फिटिंग के विषय में आप बता रहे हैं। फिटिंग बहुत अच्छी आई एंड मेरी लास्ट फिटिंग नहीं अच्छी थी, और ये वाली फिटिंग से तो मुझे काफ़ी कम्फर्ट फील हो रहा है और सेटिंग पूरी बहुत अच्छी थी। डॉक्टर साहब ने अपने सुपरविज़न में पूरा सारा प्रोसेस किया, कैपिंग का भी प्रोसेस अपने सुपरविज़न में किया कि कैप कैसे फिट हो रही है, कैसे मैं लग रही है, सही फिटिंग आ रही है कि नहीं आ रही है, तो पूरा प्रोसेस काफ़ी स्मूथ गया और काफ़ी सेटिस्फेक्शन रहा मुझे यहाँ पर। डॉक्टर साहब जो मैं सोच के आई थी वैसा मुझे पूरा यहाँ पर डॉक्टर साहब का सपोर्ट मिला और अच्छे से पूरा मेरा ये प्रोसेस गया है, तो काफ़ी सेटिस्फेक्शन है यहाँ पर मुझे। पूरा स्टाफ बहुत अच्छा है, सभी टेलीफोनिक सपोर्ट आपको कैसा मैम मिला? आप तो डॉक्टर फैमिली से हैं। हाँ जी, सर तो यहीं पोस्टेड भी हैं जी जी, टेलीफोनिक सपोर्ट बहुत अच्छा था। सर से जितनी बार भी कॉन्टेक्ट करो रिप्लाई ज़रूर आता है, चाहे टेक्स्ट हो, व्हाट्सअप हो या आप कॉल करें, डॉक्टर साहब रिस्पॉन्स ज़रूर करते हैं और बहुत अच्छे से पूरा बताते हैं। अगर कोई भी डाउट है वो क्लियर करेंगे, अपनी आपको कुछ भी समझना हो तो डॉक्टर साहब रश में नहीं होते, सबसे बड़ी बात ये, पेशेंट को टाइम देते हैं, उसको समझते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि अगर डॉक्टर पेशेंट को टाइम दे, उसकी थोड़ी सी काउंसलिंग करे, तो वहीं से एक फेथ आ जाता है डॉक्टर के ऊपर, बिल्कुल, तो वो प्रोसेस स्मूथ चला जाता है उससे। तो डॉक्टर साहब टचवुड इनका रश रहता है, अच्छा है, डॉक्टर साहब का काम काफ़ी अच्छा है, बट डॉक्टर साहब रश में नहीं रहते हैं, वो पेशेंट को, हर पेशेंट को, मैंने सिर्फ यहाँ पर आई सिर्फ मैं ही नहीं थी, कई पेशेंट को मैंने देखा, डॉक्टर साहब हर पेशेंट को टाइम देते हैं, अच्छे से देते हैं, तो ये डॉक्टर साहब की क्वालिटी बहुत अच्छी है।
मैं मैम के बातों से बहुत ही सहमत हूँ। बात ये कहना चाहती, जब पेशेंट को केयर आप करोगे, पेशेंट से आप बात करेंगे, पेशेंट को अपनापन झलकेगा, पेशेंट से सही बात करो, जितनी भी चीज़ें हैं मतलब प्रैक्टिस आप खुल के करिए, जो भी है मतलब एजुकेटेड करिए आप पेशेंट को। मैम तो खुद ही डॉक्टर फैमिली से, तो मुझे हर्षित वैसे भी मैं सबको बताता रहता हूँ, जब पेशेंट को अपनापन झलकता है तो एक विश्वास डेवलप होता है, और पेशेंट को सपोर्ट आप दीजिए भरपूर, जैसे उनको घबराहट ना लगे हर चीज़ों। दूसरी बात, डेंटिस्ट्री वर्ल्ड क्लास की है, इसको इंटरनेशनल लेवल में आप काम करिए, ठीक है पैसा दे वो डजंट मैटर है, कि सर पैसा नहीं दे रहा है, ये दे रहा हूँ। जब पेशेंट को आप अच्छे चीज़ बताओगे तो हर चीज़ समझता है, अच्छा बुरा क्या है वो बताता है। मैंने मैम को कैट कैम टेक्निक द्वारा जड़कुनिया लगाया, बहुत ही टॉप क्लास का, मैम खुद ही क्या बोलते हैं एडिशनल सीमो सर की वाइफ, और आज मैम की स्माइल भी देखिए एकदम खेल के हंस रही है, हर चीज़ है। तो जितने भी हमारे यूट्यूब दर्शक हैं, इंस्टाग्राम दर्शक हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सबको मैं ये कहना चाहूंगी, अगर दांत की कोई भी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर ऋषि राज है। डॉक्टर ऋषि राज है, यहीं आइए, यहाँ काम कराइए, और अपने बारे में, अपने दांतों के बारे में सर से समझिए, बहुत अच्छे से आपको गाइड करेंगे डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब का बहुत अच्छा काम है। डॉक्टर साहब ये नहीं, आपको ये एक तो मन में डर बहुत बार पेशेंट के होता है, अरे मैं एक काम के लिए जाऊँ, कहीं डॉक्टर साहब एक के दो, दो के तीन ना निकल आए काम, तो ऐसा कुछ नहीं। डॉक्टर साहब आपको कम्प्लीटली बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से गाइड करते हैं, स्टडी करके एक ही बार में एक्सप्लेनेशन देंगे, यही डॉक्टर साहब बता देंगे कि ये काम है, मैं ऐसे काम करूंगा, आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। डॉक्टर साहब अगर आप इस पूरे आसपास के कहीं के भी एरिया में, इवन मैं तो कहती हूँ जहाँ अगर आप प्रयागराज पहुँच सकते हैं तो आइए और डॉक्टर ऋषि राज से काम करवाइए। थैंक यू सो मच मैम, आपकी बातों से बहुत मोटिवेशन हमें मिला, और जितने भी लोग हमारी बातें सुन रहे हैं सभी मैम की तरह डेडिकेशन के साथ काम करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।